निंग क्यूब्स दिस इज द फोर्थ सेशन ऑफ और एक्सपांशन फॉर्मूले ए प्लस बी होल क्यूब अब तक हमने स्क्वेयर देखा था इट इज कंपेरेटिवली वेरी सिंपल फर्स्ट आएगा ए क्यूब एंड में आएगा बी क्यूब स्क्वेयर में कैसे था स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वेयर नेम ही धनस्तो वर्ग बट इनकेस ऑफ क्यूब्स पॉजिटिव नंबर है तो क्यूब इज पॉजिटिव निगेटिव नंबर तो निगेटिव है ना देखेंगे फर्स्ट टर्म ए क्यूब लास्ट टर्म बी क्यूब बीच में दो टर्म आएंगे थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर फर्स्ट इज ए क्यूब लास्ट इज बी क्यूब बीच में थ्री ए बी कॉमन है थ्री ए बी कॉमन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर भी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अब प्रेजेंट कैसे करते हो इस पर भी डिपेंड करता है आपको कितना समझ में आ रहा है ओके okay? प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा माइंड में नहीं जाएगा तो फर्स्ट दिमाग में एक बात पक्की करके चलना कि मैथ सिंपल है तो आगे की बातें सिंपल जाएंगी वी आर पर्पजली राइटिंग लाइक दिस इसका भी काम है ओके सेकेंड इज एम माइनस एन होल क्यूब तो जैसे अभी बताया फर्स्ट वाला इज एम क्यूब और लास्ट वाला आएगा एन क्यूब लेकिन क्या बताया था पॉजिटिव नंबर क्यूब इज पॉजिटिव निगेटिव नंबर क्यूब इज निगेटिव ओके यहाँ पे प्लस साइन है माइनस साइन है तो एक बार प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा लिखना यही है थ्री एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर एन और यहां पे थ्री एम एन स्क्वायर इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग दिस इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हैं बट पहले सिंपल जाते हैं समझ में आ गया एक और ट्राई करते हैं और आगे जाते हैं कुछ प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ने वाला अभी आपको है ना फर्स्ट आएगा क्यूब एक्स क्यूब लास्ट में आएगा वाई क्यूब प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस फिर प्लस है तो माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर एंड वाई प्लस थ्री एक्स एंड वाई स्क्वायर देखो दोनों सेम है थ्री एक्स वाई थ्री एक्स वाई एक्स स्क् है वाई स्क्वायर सिंपल लेट अस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखो पहले फर्क समझ लेना दोनों का दोनों का डिफरेंस समझ लेना Here, पहले ए प्लस बी है फिर क्यूब है ओके okay, पहले ए प्लस बी तो क्यूब ऑफ सम क्यूब ऑफ सब्ट्रैक्शन ओके पहले बेरिज नंतर घना पर यहां पे एक क्यूब प्लस बी क्यूब समझ में आ रहा है ना क्या फर्क है पहले ए क्यूब है फिर बी क्यूब है यहां पे ए प्लस बी है ब्रैकेट का क्यूब है ओके फर्क समझ लेना ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो पहले क्यूब निकाल दो क्यूब निकाल दोगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी ए प्लस बी ये इससे भी ज्यादा सिंपल है सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी यहाँ पे प्लस है पहले क्यूब निकाल दिया ए प्लस बी फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वेरी सिंपल वंस मोर यहाँ पे है ए प्लस बी होल क्यूब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्यूब निकल गया ए प्लस बी सेकेंड बैकेट में ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी और फिर बी स्क्वायर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस सिंपल सेकंड आप लोग बता दोगे क्या है सेकंड यह है एम माइनस एन होल क्यूब यहां पे लेंगे एम क्यूब माइनस एन क्यूब फर्स्ट क्यूब को रिमूव कर दो तो बचा क्या एम माइनस एन सेकेंड पैकेट में एम स्क्वेयर एम एन एन स्क्वायर यहां पर माइनस तो यहां पे सब प्लस ये थोड़ा सा अलग स्टेप है ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहां पे ए प्लस बी सेम साइन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एम क्यूब माइनस एन क्यूब तो यहां पे सेम साइन माइनस लेकिन यहां पे सब प्लस फर्क समझ में आ गया इजी ये तो आप लोग बता दोगे क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पहले क्यूब को रिमूव कर दो तो आ गया एक्स माइनस वाई सेकेंड बैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर सिंपल टाई विथ नंबर्स ए प्लस थ्री होल क्यूब फर्स्ट क्या आएगा ए क्यूब लास्ट में थ्री क्यूब साइन सेम ओके फिर प्लस थ्री ए एंड थ्री फर्स्ट का स्क्वायर थ्री ए एंड थ्री सेकंड वाले का स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर पहिला पदाचा वर्ग दुसऱ्या पदाचा वर्ग तो ए प्लस थ्री होल क्यूब इज ए क्यूब पहिले लास्टला थ्री क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेअर थ्री प्लस थ्री ए थ्री स्क्वेअर थ्री ए थ्री थ्री ए थ्री थ्री एक्स्ट्रा ए थ्री ए थ्री कॉमन फर्स्ट वाला स्क्वेअर सेकंड वाला स्क्वेअर फायनल आन्सर इज ए क्यूब थ्री थ्री जा नाइन ए स्क्वेर थ्री स्क्वेर इज नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन थ्री स्क्वेर नाइन नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ए थ्री क्यूब इज ट्वेंटी सेवन ओके नाउ ए क्यूब प्लस थ्री क्यूब फर्क समझ में आ गया सिंपल इट इज पहले क्यूब को हटा दो तो हो गया a प्लस थ्री सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट वाले का स्क्वायर तो प्लस है तो यहां पे माइनस है इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना ए थ्री ए एंड थ्री और सेकेंड ब्रैकेट सेकेंड टर्म इज स्क्वायर क्यूब क्यूब निकाल देना ए प्लस थ्री ए स्क्वेयर ए थ्री थ्री स्क्वेयर ए स्क्वायर फर्स्ट वाले का स्क्वायर थ्री स्क्वायर लास्ट वाले का स्क्वायर बीच में दोनों यहां पे प्लस है यहां पे माइनस दो तीन सम सॉल्व करोगे अपने आप आदत पर जाएगी ओके okay? तो आंसर आ गया फर्स्ट ब्रैकेट इज ए प्लस थ्री एंड सेकंड इज ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस थ्री स्क्वायर इज नाइन फर्क आ गया दोनों में ए प्लस थ्री होल स्क्वायर अलग क्वेश्चन एक एक सॉरी ए प्लस बी थ्री होल क्यूब अलग क्वेश्चन ए क्यूब प्लस थ्री क्यूब अलग क्वेश्चन एम माइनस फाइव होल क्यूब एम क्यूब माइनस फाइव क्यूब लेट अस सी एम माइनस फाइव होल क्यूब फर्स्ट आएगा एम क्यूब लास्ट में आएगा फाइव क्यूब माइनस है तो माइनस फिर एक बार प्लस थ्री एम फाइव फर्स्ट वाला स्क्वायर देन थ्री एम फाइव सेकेंड वाला स्क्वायर एम क्यूब फाइव क्यूब यहाँ पे माइनस साइन है माइनस प्लस ये माइनस फाइव है तो ये माइनस आ जाएगा थ्री एम फाइव थ्री एम फाइव सेम फर्स्ट वाला स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर सिंपल दिस इज एम क्यूब माइनस थ्री फाइव फिफ्टीन एम स्क्वा यहां पर आराम से सेकंड टर्म में आराम से ओके फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव एम एंड माइनस फाइव क्यूब इज वन ट्वेंटी फाइव आराम से नाउ एम क्यूब माइनस फाइव क्यूब यहां पे क्या सोचेंगे एम और फाइव दोनों का क्यूब आएगा यहां पे ऑलरेडी क्यूब इज गिवन पहले क्यूब को हटा दो तो आएगा एम माइनस फाइव सेकेंड पैकेट में एम का स्क्वायर माइनस है तो सब प्लस एम फाइव एम एंड फाइव और फ्लिस फाइव का स्क्वायर तो यहां आएगा एम माइनस फाइव फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस दट इज फाइव एम प्लस फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव आराम से गिव इट टाइम एग्जाम में एक ही सम आने वाला है यहाँ पे हम लोग सौ सम लिखेंगे लेकिन एग्जाम में एक ही आने वाला है तो गिव इट टाइम आराम से सोचो फिर लिखो नो no हरी यहां पे कंपेरिटिवली देखा तो आपको समझ में आ गया m माइनस फाइव होल क्यूब और एम क्यूब माइनस फाइव क्यूब में क्या फर्क है अभी सेपरेट देखते हैं करते ए माइनस सेवन होल क्यूब तो फर्स्ट क्या आएगा ए क्यूब लास्ट में आएगा सेवन क्यूब यहां पे प्लस साइन है तो प्लस यहां पे माइनस साइन है तो माइनस तो प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस पूरी लाइन अपने पास से सॉल्व करने के लिए तो नो कंजूसी ओके okay? आराम से लिखो मिस्टेक नहीं होगी फर्स्ट ए क्यूब लास्ट में सेवन क्यूब यहां पे साइन प्लस तो यहां पे साइन माइनस स्क्वेयर्स रहते तो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं क्यूब है तो प्लस टू प्लस माइनस तो माइनस साइन मधे गड़बड़ कराई नहीं बिल्कुल फिर थ्री ए एंड सेवन थ्री ए एंड सेवन इत फर्स्ट वाला स्क्वायर इत सेकंड वाला स्क्वेयर एग्जाम में एक ही समय आएगा उसे करेक्ट सॉल्व करना है तो इसलिए प्लीज ध्यान देना ओके तो ये हो गया ए क्यूब थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन ए स्क्वेर यहां पर एक स्टेप बाकी है सेवन स्क्वायर इज फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन इंटू थ्री तो मैं कर लेता हूं फोर्टी नाइन इंटू थ्री नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन सेवन कैरी टू फोर थ्री जा ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वन फोर्टी सेवन दैट इज वन फोर्टी सेवन एक से स्टेप एक्स्ट्रा है यहां पर पहले सेवन का स्क्वेयर इन टू थ्री वन फोर्टी सेवन और फिर आ गया ए ओनली ए और लास्ट में आया सेवन क्यूब इज थ्री फोर थ्री ये हो गया अपना आंसर फाइनल नो दिस सम क्यूब माइनस थाउजेंड यहां पर ब्रैकेट नहीं है तो सेपरेटली ये क्यूब है तो फाइंड आउट ये किसका क्यूब है दिस इज एम का क्यूब एम घन दिस इज थाउजेंड इज टेन का क्यूब दहा घन ओके क्यूब क्यूब अभी यहां पे क्या रहता है ए माइनस सेवन होल क्यूब तो पहले का क्यूब से लास्ट वाले का क्यूब ओके फर्स्ट वाले का लास्ट वाले का क्यूब यहां पे क्या रहेगा क्यूब को निकाल दो तो बचा क्या a माइनस टेन सेकेंड पैकेट में क्या आएगा फर्स्ट वाले का स्क्वायर यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस दोनों साथ में एम एंड टेन और प्लस टेन स्क्वायर आराम से जगह देना डिस्टेंस छोड़ के लिखना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस एम एंड टेन प्लस टेन स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर तो ये आ गया एम माइनस टेन यहाँ पे एम 10 100 दोनों का फर्क समझ लेना है एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज एग्जाम में यही मिस्टेक करते हैं कुछ स्टूडेंट्स ए माइनस सेवन होल्स क्यूब अलग चीज है और क्यूब माइनस क्यूब अलग चीज है इन एनी केस फॉलो योर टीचर्स जो भी स्कूल टीचर्स बताते हैं वैसे लिखना देखो बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा ए माइनस सेवन क्यूब ए क्यूब ये फॉर्मूला सेम रहेगा लिखने का सेम रहेगा कभी हो सकता है कि आपको इन लिखना पड़े इन लिखना पड़े यहाँ पे इन है कुछ साइन नहीं है तो आई तो प्रीफर जैसे कि पहले भी बताया था आपको कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैं प्रेफर करता हूं ब्रैकेट लिखना तो कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाता है और यह थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो दीज आर सम चेंजेस इससे कुछ आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा पे अटेंशन राइट वेल आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा एक्सपेंशन में लेटर सीधिस ए माइनस अपॉन टू होल क्यूब फर्स्ट आएगा ए क्यूब आराम से लास्ट में आएगा माइनस एमअपॉन टू होल क्यूब पता है ना होल ब्रैकेट है तो ये माइनस है तो ये माइनस और एक बार प्लस माइनस थ्री ए एम अपॉन टू थ्री ए एम अपॉन टू फर्स्ट वाला फर्स्ट स्क्वायर सेकंड में सेकंड टर्म स्क्वायर फर्स्ट में फर्स्ट टर्म स्क्वायर यहां पे सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस साइंस फिक्स साइन का प्रॉब्लम निकल गया तो कुछ बचा ही नहीं दिस इज ए क्यूब माइनस यहां पे कट हो सकता है क्या ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो जैसे वैसे लिखेंगे थ्री ए स्क्वायर एम अपॉन टू यहां पर कुछ कट होने का चांस कुछ नहीं थ्री ए एम स्क्वायर टू स्क्र इज फोर ना एम स्क्वेर टू स्क्वेर माइनस एम क्यूब इज एम क्यूब एंड टू क्यूब दोन सा घन एट आंसर हो गया नेक्स्ट लेवल का लास्ट सम देखते हैं आराम से इट इज थ्री एक्स क्यूब एंड द्वेंटी फोर वाई क्यूब इसको स्टार कर करके रखता हूं ओके okay, भाई बिकॉज ट्वेंटी फोर किसी का क्यूब नहीं है ट्वेंटी फोर पुणा सास नहीं आए सो so, जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था यहां पे कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा थ्री कॉमन तो बचेगा क्या अगर थ्री निकल जाता है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब थ्री निकल गया थ्री एट जा ट्वेंटी फोर और ये हो गया वाई क्यूब नाउ ये थ्री हो गया फर्स्ट फैक्टर ये है एक्स का क्यूब और ये है टू वाई ना एट वाई क्यूब का मतलब क्या है टू वाई होल क्यूब ब्रैकेट का मीनिंग पता है ना लास्ट लेक्चर में हुआ था यहां पे सिर्फ y का क्यूब है लेकिन ब्रैकेट दे दिया तो टू का भी क्यूब y का भी क्यूब ब्रैकेट इज कंपल्सरी फिर यह हो गया फर्स्ट फैक्टर थ्री बॉक्स ब्रैकेट क्यूब क्यूब निकल गया तो x प्लस टू वाई फर्स्ट ब्रैकेट में और फिर सेकंड में फर्स्ट का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दोनों साथ में x और टू और फिर प्लस सेकंड टर्म जो भी है दूसरा पद स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया थ्री फर्स्ट फैक्टर निकल गया x प्लस टू वाय सेकेंड बैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड वाई टू एक्स एंड वाई प्लस टू स्क्वायर इज फोर एंड दिस इज वाई स्क्वायर आंसर कंप्लीट वेरी सिंपल जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस करना कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैसेज सेंड कर देना ऑल द बेस्ट इंजॉय लर्निंग मैथ्स